Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share, and subscribe to our channel, Mufti Arbab. Alhamdulillah. Alhamdulillah wahda was salatu was salamu ala malla nabi ba'da amma ba'd fa'udhu billahi min ash-shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar ila akhir al ayah wa qala an nabiy sallallahu alayhi wa sallam innad din yusrun صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم محترم بزرگ اور دوستو اللہ سبحانہ وتعالی نے ہم سب کے لیے ایک निज़ाम ज़िंदगी जीने का सिस्टम कुरान के ज़रिए से अहादीस के ज़रिए से हम तक भेजा है। एक तो यह है कि आदमी कब उठा, कब सोया, कब उसने क्या काम किया, उसके कोई सिस्टम नहीं। लेकिन एक ये होता है कि अल्लाह सुबहाना व ताला ने जैसे दिन और रात का सिस्टम बनाया, नमाज का सिस्टम बनाया, हर एक चीज़ का एक निज़ाम बनाया। बेसिकली मतलब यह है कि ऐसा नहीं है कि जब मुंह में जो दिल चाहा, जब दिमाग में जो चीज़ का ख्याल आया, हमने वो चीज़ कर ली। तो ये अल्लाह सुबहाना व ताला ने दीन इसी चीज़ का नाम है। दीन को अगर हम आसान ज़बान में कहें, दीन क्या है? दीन एक सिस्टम है, दीन एक रहने का तरीक़ा है, दीन एक रहने का तरीक़ा है, एक निज़ाम है, एक निज़ाम है, एक सिस्टम है जिसके तहत हर एक इंसान को जीना है, हर एक इंसान को जीना है और हर एक इंसान को अपनी पूरी ज़िंदगी एक सिस्टम के ज़रिए से गुजारनी है। जिसने दीन के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारता है, जो दीन के अंदर रहता है, दीन के अंदर रचता बसता है, जो अपनी ज़िंदगी दीन के मुताबिक गुजारता है, जो जो मुतालबे होते हैं दीन के, वो क्या होगा? फलाह पाने वाला होगा, यानी कि कामयाबी पाने वाला होगा। अब ये जो आपके सामने मैंने कुरान की आयत पढ़ी और अहादीस जो जिक्र करी, हदीस जो जिक्र करी आपके सामने, उसमें एक हदीस यह है कि इन दीन युसरुन, ये दीन क्या है? युसरुन, बहुत ही आसान है। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दीन क्या है? बहुत आसान है। अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहते हैं हदीस में कि दीन बहुत मुश्किल है, कॉम्प्लिकेटेड है, तो क्या होता? तो हम समझ लेते हैं हाँ भाई वाकई ये मुश्किल चीज़ है। लेकिन खुद जब नबी इरशाद फरमा रहे हैं कि इन दीन युसरुन, ये दीन क्या है? बहुत ही बेहतरीन और आसान चीज़ है। अब कॉम्प्लिकेट किसने किया, मुश्किल किसने बनाया? मुश्किल हम ही लोगों ने बनाया। आज आप अपने चारों तरफ देखिए, हमने लोगों को बांट दिया है कि हाफिज़ का काम है नमाज पढ़ाना, इमाम साहब का काम है मस्जिद के अंदर बैठ के बातें करना। ये हमने जो सिस्टम बनाया, जो हमने बांट दिया कि मौलाना लोगों का काम है बयान करना, मुफ्ती लोगों का काम है मसले मसाइल बयान करना। लेकिन ये ज़हनियत बनी क्यों? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से के ज़माने में सहाबा का ये मामूल हुआ करता था कि सहाबा ने एक मसला मालूम किया, किससे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो अब ज़रूरी नहीं होता था कि वही का वही मसला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार वही बयान करते थे, बल्कि सहाबा क्या करते थे, कहते थे कि मैंने क्यों बदलना पड़ा, क्योंकि सहाबा से कभी झूठ की उम्मीद नहीं की जा सकती। सहाबा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक मसला सुना, उन्होंने वही का वही अपने साथी को बता दिया। तो इसलिए वहाँ पर डिपार्टमेंट नहीं बने हुए थे कि ये मेरा डिपार्टमेंट है, ये तेरा डिपार्टमेंट है, ये तेरा काम है, ये मेरा काम है, बल्कि दीन एक डिपार्टमेंट था, उसके अंदर सब काम करते थे। क्योंकि आप कुरान करीम के अंदर एक इरशाद है आयत में कि कुंतुम खैरा उम्मतिन, तुम्हें एक उम्मत बनाया गया है। अब तुम्हारी उम्मत के अंदर टुकड़े नहीं किए गए, तुम्हें एक उम्मत बनाया गया, क्या करो तुम, ये नहीं कहा गया कुंतुम खैरा उम्मतीन, तुम्हें एक खैर वाली उम्मत बनाया गया, उखरिजत लिन्नास, ये नहीं कहा कि मौलाना लोगों तुम लोगों के
दीन के काम के लिए निकलो, ये नहीं कहा गया कि जो हाफिज है वही दीन का काम करेगा, ये नहीं कहा गया कि जो कारोबारी वो दीन का काम कर ही नहीं सकता, बल्कि ये सिर्फ हमने बना लिया, अपने सोच में बना लिया कि हम दीन का काम करने के लिए हमने लोगों को चुन दिया। आज अभी देखिए, जनाजे की नमाज़ पढ़ानी होती है तो हमें बुलाना पड़ता है बाहर से आदमी, कब्र में दफन करना होता है तब हमें बुलाना पड़ता है, क्योंकि घर में किसी को इतनी मालूमात ही नहीं होती। दाढ़ी कटाना गुनाह है लेकिन मसले का मालूम होना बेहद ज़रूरी है। कल को अच्छा एक बात बताइए, किसी के वालिद का इंतकाल हुआ, जितनी दिल से उसका सगा बेटा दुआ करेगा अपने वालिद साहब के लिए, नमाज जनाजे जितनी जज्बात से पढ़ाएगा, तो क्या एक बाहर वाला आदमी जिसका रोज़ का काम ही हो नमाज, मैं ये नहीं कह रहा गलत है, तो बाहर वाला जो आदमी है जब वो नमाज जनाजा पढ़ाएगा तो क्या इसके दिल में उतने जज्बात होंगे जो जितने जज्बात उसके सगे औलाद में होंगे? जाहिर सी बातें नहीं होंगी। तो मेरे भाई दोस्तों, आज हमने सोच लिया कि हमने दाढ़ी कटवा ली, हमने फैशन वाले कपड़े पहन लिए, तो गोया कि दीन हमारा डिपार्टमेंट नहीं रहा, अब ये दीन का डिपार्टमेंट जो है और लोगों का हो गया। नहीं, इतने मसले मालूम होना आपके लिए ज़रूरी है। कभी कभी ऐसा होता है कि घर में अब्बा को पेशाब पखाने की तक की परेशानी हो जाती है, बहुत से लोग सही हो जाते हैं। अरे आपको मसला ही मालूम नहीं होता कि आप ठीक है, आपने अब्बा के लिए नर्स को भी इंतजाम करा दिया, सबका इंतजाम करा दिया, लेकिन जब तक आपको बेसिक मसले मसाइल ही मालूम नहीं होंगे कि बाकी कैसे इख्तियार होगी, सारी चीज़ें कैसे होंगी, चलो आपको मालूम नहीं, तो दीन में ये भी तो कहा गया कि तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमिन, कि हर मुसलमान पर उतना इल्म सीखना फ़र्ज़ है जिससे उसकी ज़िंदगी चलती हो। आज क़यामत में आदमी कैसे बच नहीं सकता कि मुझे तो पता ही नहीं था कि पाकी का मसला ये है, या नमाज का मसला ये है, या नमाज किस तरह पढ़ी जाती है, या इसाले सवाब किस तरह से किया जाता है, या मेहर किस तरह से दी जाती है, या विरासत किस तरह से बांटी जाती है। बोला हमने तो ऐसे ही कर दिया, ये गलत है, आपकी पकड़ होगी। आप ये बात कह के बच नहीं सकते क़यामत के दिन कि ज़कात निकालने का फार्मूला मुझे आता ही नहीं था, या ज़कात किसको निकालनी है मुझे पता ही नहीं था। अल्लाह ताला ने कह दिया कुरान करीम के अंदर और हदीस के अंदर भी, भाई तुम्हें सीखना ज़रूरी है, और सीखने के लिए अल्लाह ताला ने सिस्टम बना दिया कि भाई ठीक है तुम सीख लो, लेकिन ये थोड़ी ना कि सीखने के बाद जान कहते ना, जान के भी अनजान हम कभी कभी बन जाते हैं। हमें पता है कि हम ये गुनाह करेंगे तो इसकी ये सज़ा मिलेगी, तो हम जान के भी कभी कभी अनजान बन जाते हैं। ये दुनिया में तो चल जाएगा जान के अनजान बनना, लेकिन दीन और आखिरत में ये मामला नहीं चलेगा। अब यहाँ पर भी क्या होता है, यहाँ पर भी क्या होता है कि जैसे मैंने ये बात बताई कि भाई लोगों को सीखना चाहिए, अब कभी कभी क्या होता है कि लोग सीखते हैं एक लेवल, दो लेवल, तीन लेवल, चार लेवल, उसके बाद उनका दिमाग ख़राब हो जाता है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारे दीन के अंदर न इफरात है न तफरीत है, यानी कि बीच में रहना है, ना कि बिल्कुल ही इतने गुनाहगार बन जाओ कि तुम्हें सोच लिया कि ये भाई दीन का काम डिपार्टमेंट हमारा है ही नहीं, नहीं ये कि तुम इतने सूफी बन जाओ कि तुम जैसे साहब, मैं आपको एक हदीस का मफहूम बताता हूँ कि एक मरतबा क्या हुआ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ लोग आए, उन्होंने कहा कि हम अपनी ज़िंदगी ऐसे गुजारना चाहते हैं कि हम ज़िंदगी भर रोज़े रखेंगे, कभी हम रोज़े के अलावा रहेंगे ही नहीं। और एक ने कहा कि मैं तो ज़िंदगी भर कुंवारा रहूँगा और कभी शादी नहीं करूँगा, मैं क्या करूँगा, अपने नफ्स के साथ जिहाद करूँगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके जवाब में फरमाया, नहीं, मैं तुमसे ज़्यादा अल्लाह से डरने वाला हूँ, मैं तुमसे ज़्यादा कौन हूँ, मुत्तकी हूँ, लेकिन मैं कभी रोज़ा रखता हूँ, कभी इफ्तार करता हूँ, यानी इफ्तार का मतलब नॉन रोज़े की हालत में रहता हूँ, और कभी ऐसा नहीं है, मैंने भी शादियाँ करी हैं। असल आदमी तो वही है जो इस दलदल में रहे, इस दुनिया में रहे, पहाड़ पे जाके किसी ने बैठ के दीन का काम कर लिया। मिसाल के तौर पर आप ऐसी जगह चले गए जहाँ गुनाह के वसाइल ही नहीं है, आप पहाड़ की चोटी पे जाके बैठ गए, दो तीन लोग वहाँ रहने वाले हैं, आपने खाया और पी लिया और आपको आपसे कोई गुनाह ही नहीं हुआ, तो ये कमाल की बात नहीं है। कमाल की बात तो ये है कि आप एक सिस्टम में रहें, समाज में रहें, निज़ाम में रहें, काम करते हुए भी रहें। ये नहीं कि भाई कभी कभी ये होता है, अक्सर कहते हैं कि भाई आप दीन का काम करने के लिए कारोबार नहीं कर सकते, दीन का काम करने के लिए जॉब नहीं कर सकते, दीन का काम करने के लिए बिजनेस नहीं कर सकते, दीन का काम करने के लिए आप पॉलिटिक्स नहीं कर सकते। हर क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा पॉलिटिशियन नहीं थे? क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कारोबारी नहीं थे? सबसे बड़े बड़े कारोबारी थे, हम तो सोच भी नहीं सकते कारोबार क्या होता है। वो ज़रा सी हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में मरवी है कि वो बाथरूम के दरवाजे से निकलते थे और वज़ू खाने के रास्ते तक या गालिबन अपने घर के रास्ते तक पहुँचते इतनी अरबों अरबों की डील कर लिया करते थे। अरे हम तो ये तबारे हमारे जहन में आ नहीं सकता
कि सहाबा ने किस तरह से कारोबार किया, किस तरह से सहाबा ने सियासतें की, कहा सहाबा ने किस तरह से मुलाजमतें की, सहाबा ने मुलाजमत की किस तरह से, भाई मुलाजमत करनी है, मुलाजमत करने में आप जिसने आपको मुलाजिम रखा है उसके वक्त की रियायत करें, उसके साथ बेमानी ना करें, ये आपका दीन हो गया। ये थोड़ी ना कि भाई दीन के लिए नमाजी पढ़ना ज़रूरी है, ज़कात देना ज़रूरी है, बल्कि हमने दीन को एक मुश्किल सिस्टम बना दिया। कारोबार कर रहा है आदमी तो भाई हलाल तरीके से कारोबार करे, किसी का हक ना मारे, किसी के नाजायज़ पैसे ना मारे। इसी तरीके से आदमी सियासत कर रहा है, सियासत करने में झूठ बोलना ज़रूरी है, भाई थोड़ी सी अकल से काम ले ले कि ऐसी बात ही ना बोले अपनी जहन से कि वादे कर लिए बड़े बड़े लेकिन हुआ कुछ नहीं, और ये कहे कि इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा निज़ाम बदलने के लिए। अरे भाई दीन हमारी जागीर है, हम सब की जागीर है। मैं खुद एक आलिम एक मुफ्ती हूँ लेकिन मैं ये नहीं कहता कि ये मेरी जागीर है, बल्कि ये हम सब की जागीर है, ये हम सब की जागीर है। हम सबको दीनदार बनना है और इस पर अमल करना है। अगर हमने एक कुरान की आयत पढ़ ली उसका मतलब हमें मालूम हो गया और हम इस बात पर पक्के हो गए कि हमने इसका सही मतलब सीख लिया, तो आप भी सिखाइए लोगों को आगे। आपको कोई मसला समझ में आ गया कि मैंने ये मसला सीख लिया है तो आप भी लोगों को बताइए, इससे क्या होगा, सिर्फ आलिमों का काम नहीं होगा दीन को दीन की बात को आगे बढ़ाना। आपने कोई चीज़ सीख ली, लेकिन हाँ एक बात सुन लो भाई, यहाँ पे सीख ली अगर कोई चीज़ और आप कॉन्फिडेंट है अपने ऊपर कि हमने ये चीज़ सही सीख ली है, आप उसे आगे बढ़ाएंगे तो आप जितने लोगों तक आगे पहुँचेगी वो बात आपका सवाब का मीटर चालू हो जाएगा। लेकिन खुदा ना ख्वास्ता अगर गलत बात आपने बयान कर दी तो कयामत तक जितने लोग उस मसले को सुनकर गलती करेंगे उसका वबाल आप तक पड़ेगा। दोनों चीज़ें हैं, प्रॉफिट भी है तो लॉस भी है। अगर सवाब मिलेगा तो इसकी इसका गुना भी मिलेगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सवाब ही सवाब मिलेगा। क्योंकि जिस चीज़ का ताल्लुक हुकूकुल इबाद से है, एक मरतबा एक यानी कि अगर आपने अल्लाह से अल्लाह के मामले में कोई कमी कर दी तो अल्लाह और बंदे के मामले के दरमियान का मामला होता है, अल्लाह ताला तो माफ़ कर देते हैं। लेकिन कभी कोई मसला हुकूकुल इबाद से है, आपने किसी बंदे को मसला बताया, कोई बात बताई, कोई कुरान की आयत का तर्जुमा बताया और वो सही था, आपने सही समझा या गलत समझा ये तो आपका और अल्लाह के दरमियान का मामला है, लेकिन आपने किसी बंदे को बताया और वो खुदा ना ख्वास्ता वो गलत निकला तो आपने गोया कि उस बंदे के हक में कमी कर दी, तो इसकी पकड़ आपके यहाँ हो सकती है। तो मैं ये कह रहा था कि इफ़रात और तफरीत, सबसे पहली बात तो हमें ये सबक लेना है आज कि दीन उलमा की जागीर नहीं, दीन मुफ्तियाने इकराम की जागीर नहीं, बल्कि आप सीखें और सिखाएं। लेकिन सही आदमी से सीखें, सही बताने वाले से सीखें। नौसिखियों से सीखेंगे तो दीन में गड़बड़ी आ जाएगी। मिसाल के तौर पर अगर किसी ने गलत इंजीनियरिंग कर ली तो अलग सा गलत प्रोडक्ट बना देगा, तो इसी तरह से अगर आपने गलत बात गलत आदमी से सीख ली तो आप गलत चीज़ का बयान कर देंगे। तो आपको सीखना भी है और सिखाना भी है। और ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने दाढ़ी नहीं रखी या आप बाशरे नहीं हैं या आपकी ज़िंदगी में गुनाह हैं तो आप दीन का काम नहीं कर सकते। एक मरतबा एक वाक़ा सुनाता हूँ कि एक आदमी ने यह कहा कि दाढ़ी रखे हुए हो पिक्चर हॉल जा रहे हो, दाढ़ी रखे हुए हो झूठ बोल रहे हो, दाढ़ी रखे हुए हो ये गलत काम कर रहे हो। तो वो बहुत परेशान हो गया, यार दाढ़ी कटवा के फेंक दूँ उठा के। क्यों? क्योंकि हुआ ये कि उस लोगों ने ताने देना शुरू कर दिया कि तुम तो दाढ़ी रख के ये काम कर रहे हो। तो एक आलिम साहब ने उसे जवाब सिखाया कि भैया तुम घबराओ मत, तुम ये कह दो कि इंशाल्लाह एक दिन ये दाढ़ी मुझे बचा देगी हर चीज़ से, इंशाल्लाह एक दिन ये दाढ़ी का लिहाज ही मुझे हर चीज़ से रोक देगा। आज आप देखिए कि हम लोगों पर तान और तश्नी ताने मार देते हैं। अरे तेरा तो लिबास ही शरीयत का नहीं है, तू क्या दीन का काम करेगा? मेरे भाई और दोस्तों, जो दीन फैला था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के से फैला था, सहाबा में फैला, सहाबा से कहाँ कहाँ फैला, वो नफरत से नहीं फैला था, प्यार और मोहब्बत के साथ फैला था, मोहब्बत के साथ फैला था, प्यार के साथ फैला था। किसी ने ये नहीं कहा कि तू काफिर है तुझे काट दिया जाए, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि किसी इंसान के साथ बेमानी करने का आपको हुक्म नहीं दिया गया। ये नहीं कहा किसी मुसलमानों के साथ बेमानी मत करो, बल्कि कहा क्या गया किसी इंसान के साथ आप बेमानी नहीं कर सकते, चाहे वो इस्लाम, चाहे वो मुसलमान हो, मोमिन हो, काफिर हो, फासिक हो, फाजिर हो, कुछ भी हो, आप किसी के साथ बेमानी नहीं कर सकते, किसी के हक में आप कमी नहीं कर सकते। तो आप ये सोचिए कि जैसे हम अपना हिसाब लगाते हैं कि इस साल हम इतना कमा रहे हैं, अगले साल इतना कमाएंगे, उससे अगले साल इतना कमाएंगे, आदमी ये सोचता है कि मेरी ज़िंदगी में तरक्की होनी चाहिए। तो मेरे भाई बुजुर्ग दोस्तों, ये दीन भी एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर हमें एक प्लानिंग करनी चाहिए कि हमारी ज़िंदगियों में तरक्की आनी चाहिए दीन के एतबार से। आज आप देखिए लोग अपनी आखिरी उम्र को पहुँच गए, नमाज ही ठीक नहीं है,
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی بجائے کچھ اور پڑھ رہے ہیں. شین سین کا فرق، صوت ذات کا فرق، مطلب کا فرق، معنی کا فرق. جیسے کہیں دال کا جگہ زال کا استعمال کر دیا تو معنی بدل جاتا ہے. آپ بجائے عبادت کرنے کے، قرآن کے اندر کچھ ایسے مقامات ہیں، اس پہ جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ قرآن کے اندر کہیں کہیں جگہ پر لائنیں کھینچی ہوئی ہوتی ہیں. وہ اس لیے کھینچی ہوئی ہوتی ہیں کہ اگر خدا نخواستہ آپ سے معنی کے اندر غلطی ہو گئی، یعنی کہ آپ نے لفظ کا فرق کر دیا، تو آپ کی نماز ختم ہو جائے گی. اگر آپ نماز کے اندر آپ نے وہ آیت پڑھ دی اور معنی کا آپ نے فرق کر دیا تو آپ کی نماز ہی ختم. وہ ذرا سا جملہ پڑھتے ہیں. تو میرے بھائی دوستو، ہمیں اپنی زندگیوں کے اندر، کیونکہ زندگی سب کی گزرنی ہے، اور ایک بات جان لیجئے کہ ہم فکر کرتے ہیں کہ ہمیں کمانا ہے. کمانا بہت ضروری ہے، کسی کا کمائی اس نیت سے کہ ہمیں کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے اور ہم اپنے اولادوں کو، بچوں کو خوب کھلائے پلائے. لیکن سمجھدار آدمی وہ ہے، سمجھدار شخص وہ ہے، عقل والا شخص وہ ہے جو کیا کرے، دین کے ساتھ دنیا کو بھی چلائے. دنیا بضرورت، دین بمقصد، اس مقصد کے ساتھ ہمیں اپنی زندگی کو آگے بڑھانا ہے. کیونکہ آپ کتنے لوگ آپ کے سامنے آئے چلے گئے، بہت سے لوگ ہیں. اس سال کتنے لوگ انتقال ہو گئے، کسی کو جوان بھی گئے، بوڑھے بھی گئے، بچے بھی گئے، کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یار یہ چلا جائے گا. ارے ہم سوچ نہیں سکتے تھے لیکن چلے گئے. تو میرے بھائی دوستو، میری آپ سب سے یہی اپیل ہے کہ آپ دین کو سیکھنے کا جذبہ پیدا کریں. وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں سیکھیے، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی کے اندر بہت فرق آ جائے گا. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ. سنتیں پڑھی لیں سنتیں جنہیں پڑھی پڑھ لی ہے.
Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share, and subscribe to our channel, Mufti Arbab.